अक्सर हम टीवी पे या इंटरनेट पे लोगों को गार्डन में बैठ के चाय पीते हुए देखते हैं और मज़े लेते हुए देखते हैं और सोचते हैं क्या हम भी ऐसा सेटअप कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी ऐसा सेटअप कर सकते हो, वो भी अपने बजट में। यदि आपके घर के बाहर खाली जगह है या फिर छत पर जगह है या बालकनी में या बेशक एक छोटा सा पॉट या प्लास्टिक का टब है तो आप उसमें एक लैंडस्केप गार्डन बना सकते हैं। लैंडस्केप गार्डन बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि जगह का उचित उपयोग करें और इस तरह उपयोग करें कि वो सालों दर साल बहुत खूबसूरत लगे, ज़्यादा मेंटेनेंस ना करनी पड़े, उसका ज़्यादा ख्याल ना रखना पड़े। लैंडस्केप गार्डन बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थ्रिलर, फिलर और स्पिलर का। ये फॉर्मूला प्रोफेशनल डेकोरेटर्स भी यूज़ करते हैं लैंडस्केपिंग करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रिलर्स के बारे में। थ्रिलर्स वो पौधे हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं हाइट में, और देखते ही आपका मन मोह लेते हैं, देखते ही लगता है अरे वाह क्या सुंदर पौधा है। ऊंचाई के कारण ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, तो इनको हम बीच में रखेंगे या तो अपने सेटअप के, बेशक वो पॉट में हो या फिर एक गार्डन या टेरेस में हो, या फिर पीछे रखेंगे। कुछ पॉपुलर थ्रिलर्स जो आप अक्सर देखते होंगे वो है ड्रेसेना, स्पेशली रेड या पिंक कलर का ड्रेसेना, बहुत सारे पाम्स, एरेका पाम, फैन पाम, आजकल स्नेक प्लांट भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और बर्ड ऑफ पैराडाइज पाम भी ट्रेंड कर रहा है। थ्रिलर्स आपके गार्डन में खूबसूरती तो ऐड करेंगे ही, पर आपको जगह के हिसाब से थोड़े महंगे भी पड़ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक इनफ है या फिर आपको मल्टीपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण, क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं, हम बाकी की जगह को फिल करेंगे फिलर्स से और स्पिलर्स से। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंग्लिश चैनल गार्डन अप पे भी एक्सप्लेन किया है, एक छोटे से कंटेनर के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपको गार्डन एक छोटे से कंटेनर में बनाना है। मेरे इंग्लिश चैनल पे जब मैं गार्डनिंग के बारे में बात करती थी तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि आप हिंदी में भी बताइए, तो इसलिए इस तरह मैंने शुरू करा ये सेकेंड चैनल एकता चौधरी। आई रियली विश कि मुझे एक थर्ड लैंग्वेज भी आती ताकि मैं एक थर्ड चैनल स्टार्ट कर सकती। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ नई लैंग्वेज सीखने की, आई एम नॉट श्योर मुझे उतनी आ पाएगी कि मैं एक चैनल शुरू कर सकूँ। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू टुडे स्पॉन्सर, डुएलिंगो। डुएलिंगो एक पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहाँ पर आप 40 से अधिक भाषाएं सीख सकते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ऑफकोर्स इंग्लिश। आप इंग्लिश से हिंदी भी सीख सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश भी सीख सकते हैं, और मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ स्पेनिश सीखने की। El es un hombre. He is a boy. Hombre. He's a man. La manzana. La manzana, the apple. Él come manzanas. Él is, he eats apples. ये जो ऐप है डुएलिंगो, ये आपको मदद करेगी हैबिट बिल्ड करने में। तो आप हर रोज 10 मिनट असाइन कर सकते हैं नई भाषा सीखने के लिए। ये आपको रिमाइंडर्स भी भेजेगी और जैसे ही आप सीखने लगेंगे यू विल एडवांस थ्रू लेवल्स। इनफैक्ट इट इज़ लाइक प्लेइंग अ गेम। द फोकस ऑफ दिस ऐप इज़ टू हेल्प यू स्पीक, लर्न एंड रीड दैट लैंग्वेज। सो इफ़ यू आर समबडी हु वॉन्ट्स टू लर्न अनदर लैंग्वेज जस्ट फॉर फन, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ साल पहले फ्रांस गई थी, एक यूनिवर्सिटी विज़िट करी थी 3 महीनों के लिए, और क्योंकि 3 महीना काफ़ी टाइम होता है, तो जैसे मैं ग्रोसरी ख़रीदने जाती थी तो मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, तब मैंने डुएलिंगो को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करा था ताकि मुझे बेसिक समझ में आ जाए। जैसे ग्रोसरी स्टोर में अगर मुझे ब्रेड खरीदनी है या सब्ज़ियाँ खरीदनी है तो हर सेगमेंट में ऊपर वो बोर्ड लगा रहता है, तो मुझे दूर से पता चल जाता था कि यहाँ पे क्या सामान मिलेगा, किस सेगमेंट या किस रो में मुझे जाना चाहिए। सो इफ़ यू ट्रैवलिंग समवेयर, आई थिंक इट्स रियली हेल्पफुल, इट हेल्प्स यू नेविगेट थ्रू प्लेसेस, कौन से मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, किस पे नहीं उतरना है। सो मर्सी बोकू टू डुएलिंगो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अनदर लैंग्वेज प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक अंडर दिस वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड डुएलिंगो फॉर फ्री। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं फिलर्स के बारे में। हम यहाँ मोस्टली फोलियज, यानी कि वो पौधे जो पत्तों के लिए उगाए जाते हैं, उनको यूज़ करेंगे, जैसे मनी प्लांट, सिंगोनियम, इंग्लिश आईवी। फूल वाले पौधे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉस रोज। ये वो पौधे हैं जो काफ़ी इजी होते हैं मेंटेन करने के लिए, और इनका मेजर फ़ायदा ये है कि आपको
इनको कटिंग से आप बार बार इनको उगा सकते हैं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो घट जाएगा। आप चाहें तो क्रोटोन, कैलेडियम, बॉस्टन फर्न भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं उनको ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती क्योंकि ये हाई मेंटेनेंस होते हैं, इनका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके बाद भी यदि आपके पास जगह बच जाए अपने सेटअप में, तो आप घास से ढक सकते हैं, ग्रेविल या बड़े पत्थरों को भी यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स चुनते समय ध्यान ये रखना है कि प्लांट्स सीजनल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सीजनल प्लांट्स होंगे तो बार बार आपको अरेंजमेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब उन पौधों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो वो सूखने लगेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, तो उनको या तो आपको फिर से उगाना पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और सूखे जो है उनको हटाना पड़ेगा तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्पिलर्स के बारे में। स्पिलर्स वो पौधे होते हैं जो हैंगिंग होते हैं, ट्रेलिंग होते हैं, जैसे लोबेलिया, ट्रेलिंग बेगोनिया, विंका। आप अगर चाहें तो गेंदा, मैरीगोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेलिंग नहीं होगा बट ये एक अच्छा कलर ऐड करेगा आपके सेटअप में। ये पौधे यूजुअली पॉट के बाहर दिखते हैं आपको, स्पिलर्स जो हैं वो आपको ऐसे हैंगिंग की तरह दिखते हैं, तो आप इनको किनारी में लगा सकते हैं अगर आपके पास गार्डन है, या फिर अगर पॉट है तब भी साइड में लगा सकते हैं, तो गिरते हुए अच्छे लगेंगे। और क्योंकि फिलर्स एंड स्पिलर्स थ्रिलर्स की छाँव में उगते हैं, थ्रिलर जो है वो ब्राइट लाइट वाले पौधे हैं, और जो फिलर और स्पिलर है ये मीडियम लाइट वाले पौधे होने चाहिए। यदि इसमें आप ब्राइट लाइट वाले पौधों के साथ जाएंगे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि उनको उतनी सनलाइट नहीं मिलेगी। सो टू सम इट अप, एक बेसिक लैंडस्केपिंग गार्डन के लिए पीछे और बीच में आप लगाइए थ्रिलर्स, उनकी छाँव में फिर आप यूज़ करिए फिलर्स और स्पिलर्स। जैसे हम बीच से किनारों की तरफ जाएंगे, पौधों की हाइट भी घटाते जाएंगे। अब बात करते हैं बजट की, कि कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इसमें। देखिए, लिमिट तो कोई नहीं है ऑफ कोर्स, बट जनरली जब आप अपने बजट को डिवाइड करेंगे इन तीन कैटेगरीज में, तो थ्रिलर्स जो है वो फोकस होने चाहिए। महंगे वाले पौधे थ्रिलर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम थ्रिलर्स ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, कुछ ही करेंगे। अब रेंज जो है वो वैरी करती है, 200 से लेके 2000, 10000 तक भी कोई लिमिट नहीं है, बट मोस्टली ये कैटेगरी है। फोलियज जो है वो कुछ 100 से 200, 300 रुपए के बीच में आ जाएंगे, और जो बाकी पौधे हैं वो 50 से 150 के बीच में। ये प्राइजेस जो हैं हर सिटी में डिफ़र करते हैं, सो बॉम्बे में अलग होंगे, दिल्ली में अलग होंगे, बट लैंडस्केपिंग करते हुए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है जब आप पौधे खरीदने जाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी जगह है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, किस टाइप का सेटअप काम करेगा। यदि वो गोल है तो अलग होगा, लंबी है तो अलग होगा। दूसरी, रोशनी कैसी आती है आपकी जगह में। तीसरी, कितना पानी नेचुरली मिलता है। और चौथी, टेम्परेचर कैसा है। अब इन फैक्टर्स को मैं अलग अलग डिटेल में समझाती हूँ। तो जब आप पौधे चुनते हैं तब हमें ध्यान रखना होता है कि हम कितनी जगह को यूज़ करने वाले हैं सेटअप के लिए, और क्या आप वहाँ खाना खाएंगे या फिर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी जगह चाहिए। फिर दूसरा हमें देखना है हमारे पास कितना समय है। यदि आप काफ़ी समय स्पेंड कर सकते हैं तो आप फूल वाले पौधे यूज़ करें, बट अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आप ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो सक्कुलेंट, वो पौधे जिनको कम केयर चाहिए होती है, कम पानी चाहिए होता है, उनको यूज़ करें। तीसरी चीज़, लाइट की अवेलेबिलिटी। यदि आपका स्पेस ऐसा है कि डायरेक्ट सनलाइट आता है तो आप जितने चाहे फूल ला सकते हैं। यदि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो फिर फोलिएज प्लांट्स, पत्ते वाले प्लांट्स पे फोकस करेंगे। चौथी चीज़, टेम्परेचर। यदि 20 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है आपकी जगह, जैसे बॉम्बे यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, तो आप मोस्टली कोई भी पौधा उगा सकते हो जो जनरली नर्सरी में मिलता है। लेकिन गर्मी अगर ज़्यादा है, 35 डिग्री से ज़्यादा रहता है जैसे दिल्ली में, तो फोकस करें कि स्नेक प्लांट, एरेका, जेड, मनी प्लांट, सिंगोनियम, ऐसे पौधे उगाएं, ये जल्दी नहीं मरेंगे गर्मी में। अब आप चाहें तो सीजनल लैंडस्केपिंग भी कर सकते हैं, पॉट में बना रहे हैं या बड़ी जगह में, तो वो पॉट सीजनल भी हो सकता है। जैसे कि ये जो करंट सीज़न है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, इस समय आप कहीं पर भी लैंडस्केपिंग करेंगे वो अच्छी लगेगी। जिन जगहों पे टेम्परेचर 10 से कम रहता है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, आपको सीजनल लैंडस्केपिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ठंडी जगह में रहते हैं तो स्नो भी गिरे, तो फिर आप सिर्फ स्प्रिंग में या समर्स में कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है पानी की सुविधा कैसी है। अगर आपका गार्डन काफ़ी बड़ा है तो वाटरिंग कैन से पानी देना दिक्कत का काम है, पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पाइप के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप घर पे नहीं हैं तो कोई और होना चाहिए पौधों पे पानी डालने के लिए, वरना वो सूख जाएंगे। जो चीज़ मैं करती हूँ, क्योंकि
जब हम कहीं जाते हैं तो कोई पाइप से पानी नहीं दे सकता, घर लॉक करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक इरीगेशन। ऑटोमेटिक इरीगेशन काफ़ी आसान बना देता है चीज़ों को। ड्रिप इरीगेशन भी आता है उसमें, और वो फाउंटेन जो गोल गोल घूमता है वो भी आता है। बस इसके साथ जो इशू है वो ये थोड़ा महंगा होता है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आई नो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, सबको लगता है कि लैंडस्केपिंग के लिए प्लांट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो सेकेंडरी चीज़ें हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वरना आप इतनी जो मेहनत करोगे वो वेस्ट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको लगता है कि किसी और के घर में ऐसी जगह है जहाँ पे एक लैंडस्केप क्रिएट किया जा सकता है, तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।